हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास गोपाल विद्यालय इंग्लिश मीडियम। आई विल टीच यू क्लास 10th फर्स्ट इम्पोर्टेंट हेडिंग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। बच्चों, आज हम आपको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में बताएंगे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मीन्स प्रकाश का अपवर्तन। इसकी जो डिफिनेशन है, व्हेन अ लाइट रेज पासेस वन मीडियम फ्रॉम एन अदर मीडियम देन द बेंडिंग ऑफ लाइट रेज इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देन द बेंडिंग ऑफ लाइट रेज इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इट मीन्स जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर किसी दूसरे माध्यम पड़ती है तो वो अपने मार्ग से, अपने रास्ते से वो विचलित हो जाती है, हट जाती है। इस इवेंट को हम क्या कहेंगे? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब इसको हम डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। ये बच्चों डायग्राम है, ये इंसिडेंट रे है और ये क्या है? रिफ्रैक्टेड रे। और ये फर्स्ट मीडियम जो है एयर, यानी लाइट रेस पहले एयर से ही चलकर आती है। तो एयर से जैसे लाइट रेस आ रही है, जो आने वाली रेस है उसको हम क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रेस। जब लाइट रेस आई, जैसे ही सेकेंड मीडियम क्या बोलेंगे? डेंसर मीडियम। सेकेंड मीडियम में जो डेंसर मीडियम है वो है वाटर। वाटर से होकर जैसे ही लाइट रेस जाती है तो क्या करती है? अपने ओरिजिनल पाथ से वो क्या हो जाती है? बेंड होने लगती है। देखिए, अगर इसको जाना तो एकदम स्ट्रेट, लेकिन थोड़ा सा बेंड हो गई तो ये इसको हम क्या कहेंगे? तो ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। इसको क्या कहेंगे? रिफ्लेक्शन हो रहा है। इट मीन्स अब इसे हम क्या समझेंगे कि जो ये पॉइंट जो है नॉर्मल है। इंसिडेंट रेज और रिफ्रैक्टेड रेज को जो पॉइंट बीच में आया है, जो बिटवीन जो पॉइंट है, उसको क्या बोलेंगे? नॉर्मल। और ये नॉर्मल और इंसिडेंट रेज से एक एंगल क्रिएट हुआ है जिसको बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंट। इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं। और पुनः जो नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रेज से जो एंगल क्रिएट हुआ है उसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। अंडरस्टैंड? अब बच्चों हम लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में समझेंगे। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ओनली टू टाइप्स के होते हैं। देयर आर ओनली टू टाइप्स। फर्स्ट इसी से समझेंगे, द इंसिडेंट रेज, रिफ्रैक्टेड रेज एंड नॉर्मल लाई इन अ सेम प्लेन। यानी ये एक ही प्लेन पर हैं। सेकेंड जो इसका लॉ है, फॉर एनी टू माध्यम है the ratio of sine the angle of refraction is a constant for any media. The ratio of sine, the angle of incident and sine the angle of refraction is a constant. It means n equal to sin I upon sin r। ये क्या है? ये हमने इस कांस्टेंट से एक फार्मूला ड्रा किया, इसको हम क्या बोलेंगे? दिस लॉ इज नोन स्नेल्स लॉ।
ये जो ला है इसको क्या बोलेंगे, इसनेस ला, यानी रिफ्लेक्शन का जो सेकेंड ला है उसको हम क्या बोलेंगे, स्नेल्स ला। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।